तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड का हमारे बच्चों का जो एग्जाम पेपर है ना, वो 21 मार्च के दिन पेपर बेटा, इतिहास का। ठीक है, अच्छे से मैं लगातार तैयारी करा रहा हूं। हर जिले में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको समय समय पर मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि हमारे बच्चे अच्छे स्कोर कर पाए, इसी उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं। आइए तो देखते हैं बेहतरीन सा एक मॉडल पेपर जो बिल्कुल खास खास प्रश्नों के संग्रह से बना हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे, जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं। एक ही बात कहूंगा मैं तो आपको कि आपको आम खाने से मतलब है, गुटली से कोई मतलब नहीं, मॉडल पेपर है लेकिन है दमदार। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपा ईरस एक है, तो एक पौधा का नाम है ये। चंगेज खान का प्रारंभिक मूल नाम क्या था? तेमुजिन उसका नाम था। केथेड्रल नगर में, नगर किस देश में है? तो फ्रांस में स्थित है। वैसे मैंने पूरी चीजें भर भी दी है ताकि आपको कम समय में जानकारी मिल जाए, क्योंकि सॉल्यूशन पूरा देखेंगे अपन, है ना। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था रोजर बेकन ने। नानकिंग की संधि हुई थी 1842 ईस्वी में। अगला है रिक्त स्थान। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबिल पुस्तक का भाग है। किसका है? बाइबिल पुस्तक का भाग है। रोम आधुनिक इटली में स्थित है। मंगोल यायावरी समाज जो है वो सर्प समाज से संबंधित है। समानती व्यवस्था में शोषित वर्ग कृषकों का था। और इसके बाद में अपना जाएगा द लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार थे माइकल एंजिलो। ठीक है, यहां से अपना 1888 ईस्वी में था सोगुन चीन का शासक। अब आपका देख लीजिए अगला, असुर बल बनीपाल, इसका आपका आ जाएगा यहां से। देखिए सही जोड़ी है ना, तो पहले का आपका सही जोड़ी में आ जाएगा ये, यहां से भराएगी आपकी सही जोड़ी असीरिया आ जाएगा, है ना। दूसरा जो है उसका रोमन दार्शनिक आ जाएगा ये। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, इधर से देखते हैं, सीने का है यास, यास का चपका जाएगा यहां से चंगेज खान की विधि संहिता। चौथा है आपका फीप, फीप आ जाएगा लॉर्ड, यहां से देखिए ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना आप, बार बार बदलना है। ठीक है, ये आपका चौथा हो जाएगा यहां से। पांचवी की बात करें अपन, और ये कैथोलिक आपका छठा रहेगा, ये आपका चौथा जाएगा, और न्यू साउथ आपका सातवां आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप इसका इतना। ठीक है, ये यहां से, और इसके बाद में यहां से जी आपका पांचवा जाएगा। अब है आपका मेसोपोटामिया में हेगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? नेबुजा रेजार ने, नेबुजा रेजार। ठीक है, पुरातन काल में रोम के लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी? पेपाइस से। पेपाइस से। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? मोंक। किस नाम से जानते हैं? मोंक। होपी किस प्रकार का समुदाय था? होपी जो था आदिवासी समुदाय। ठीक है, अफीम युद्ध का संबंध चीन से। अफीम का पहला युद्ध कब हुआ था? 1840 ईस्वी में। ठीक है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में। ठीक है, मेसोपोटामिया के जो लोग है ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे, तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, ये आपका असत्य रहेगा। तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य रहने वाला है, पांचवा आपका सत्य रहेगा, छठा जो है वो भी सत्य रहेगा। ठीक है,
यहां से देखिए मेसोपोटामिया, ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 8, 9, 10, 11, बढ़िया से आप तो मेहनत करना है ना, जिस बच्चे को अच्छे नंबर चाहिए ना कंप्लीट कर लीजिए।